नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तैयारी शुरू हो चुकी है। काम काफी तेजी से हो रहा है। ईंट पत्थर सब बाहर से मंगवाए गए हैं। ऐसे में राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। हैदराबाद स्थित NGRI नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की 15 सदस्यों की टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। ये टीम 8 दिनों तक मिट्टी और जमीन का अध्ययन करेंगे और इसके फोटोग्राफ लेंगे। इसके बाद जांच कर वो अपनी रिपोर्ट मंदिर को मजबूत आधार सुनिश्चित करने के लिए गठित 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति को सौंपेंगे। NGRI का सुझाव नींव का निर्णायक माना जाएगा। हालांकि विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट का अध्ययन कर अंतिम फैसला लेगी। माना जा रहा है कि इस कार्य में 15 दिन लग जाएंगे, उसके तत्काल बाद नींव का काम शुरू हो जाएगा। अब वहीं अब बड़ा बदलाव हुआ है। अब 1200 पिलर नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि उनके स्थान पर मिर्जापुर के पत्थरों से नींव की तैयारी की जाएगी। ट्रस्ट के सूत्रों ने बताया है कि 15 दिन के भीतर नींव का काम हर हाल में शुरू होने की उम्मीद है। भूमि की निचली सतह पर करीब 50 फीट तक मलबा है, जिसे हटने के बाद पत्थरों को बिछाया जाएगा। फिर पत्थरों की एक एक लेयर पर भार देकर उनकी क्षमता जांची जाएगी। भार क्षमता की जांच के बाद नींव का काम तेज हो जाएगा। इस काम को तेजी से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी टाटा कंसल्टेंसी व LED को सौंपी गई है। नींव का काम पूरा होने की करीब 6 महीने लगेंगे। वहीं श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की माने तो ये टीम खास तौर पर भूकंप आने पर भूमि की स्थिति की जांच करेगी और ये भी तय करेगी कि भूकंप आने की स्थिति में इसकी तीव्रता क्या होगी। रविवार को इसी जांच के तहत राम जन्मभूमि परिसर के चारों तरफ अलग अलग मशीनें लगाई गई, जिसकी सहायता से भूकंप की स्थिति में भूमि के अंदर की गतिविधियों को मापा गया। वहीं आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया है कि हैदराबाद से 15 लोगों की टीम आई है। ये जमीन के अंदर की गतिविधियों को जांचने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जमीन के अंदर क्या गतिविधियां हो रही हैं और इसके अंदर भूकंप आता है तो उसका क्या स्तर है, इसके परीक्षण के लिए ये टीम लगी हुई है। गुप्ता ने आगे बताया कि बुनियाद को लेकर चिंतन हो रहा था, अब तय हो गया है कि पत्थर के ऊपर से नींव तैयार होकर आएगी। मतलब साफ है कि मंदिर को बहुत देख रेख में बनाया जा रहा है। एक एक चीज को जांच परख के ही लगाया जा रहा है। भूकंप आने पर भी इस मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।